देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोगों को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जितना मंदिर है मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए, और इसका कारण जो भव्य राम मंदिर अभी अयोध्या में बनने माने उसको उद्घाटन होने जा रहा है, उसको लेके हम लोग सब आज 14 तारीख से शुरू किया है ये सफाई अभियान सब मंदिर के सामने। तो ये आज भी हमारा थर्ड डे है, तो ये एक पूरा एक एनवायरमेंट ही बदल गया अभी पूरा देश में, त्रिपुरा में भी इस तरह हो रहा है, और सभी हमारा जो कार्यकर्ता है खास करके हमारा ये आर्ट बर्दवाली में हम लोग ये काम कर रहे हैं, सभी जगह सब अपना अपना लीडर जो है सभी कर रहा है यहाँ पर, और मेरे साथ मेरा मेयर साहब भी है और बहुत सारे लोग हम लोग के साथ है, सब मिलकर हम लोग इस काम में हम लोग सब लगे हुए, और बहुत अच्छा अनुभव फील हो रहा है कि ऐसा लग रहा है मंदिर में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 22 तारीख और कुछ दिन है, उसमें हम लोग बाद में हम जाएंगे सब वहां, अभी तो ज्यादा भीड़ होंगे, तो एक माने मैं कहूंगा ये 500 ईयर्स के बाद ये हम लोग को ये राम मंदिर वहां पर उद्घाटन होने जा रहा है, और इससे सब खुश है, एक आस्था का विषय है, और जनता उसको बहुत गंभीरता के साथ ले रहा है, ये इस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण यह संभव हुआ, तो इसीलिए हम लोग सब खुश है। और ये जो कार्यक्रम है जो सफाई अभियान मंदिर के सामने ये चालू है और आगामी दिन भी चलेगा। और सर भगवान श्री राम के अनुरागी के लिए क्या संदेश आपके ओर से रहेगा? मैं यही कहूंगा सब हम लोग खुश रहें, शांति से रहें, और हम लोग सब जानते हैं राम राजत्व में क्या होता था, तो जो ट्रांसपेरेंसी का विषय है और सबके लिए सबका साथ सबका विकास और विश्वास और प्रयास प्रधानमंत्री जी जिस तरह कहते हैं वो सिर्फ राम राजत्व में ही ये संभव है, और प्रधानमंत्री जी भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, हम लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं।